वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में जानते हैं आपकी, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं बी टाउन की शाइनिंग स्टार को लेकर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दे कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जोन सा नाम आपके दिमाग में आ रहा है वो बिल्कुल सही है, हम यहाँ बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन, जो हमेशा से ही अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती हैं, बेहतर एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और साथ ही साथ अपनी मासूमियत के लिए भी उन्हें जानी जाती हैं। वहीं हम आज दिखाएंगे ऐश्वर्या से जुड़ी तमाम बातें, ऐश्वर्या से जुड़ी वो तमाम चीजें जो आप लोग मिस कर चुके थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या ने अपनी बेटी के साथ काफी ही गुस्से में बर्ताव किया। हालांकि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं हर टाइम वो अपनी बेटी आराध्या को अपने साथ रखती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत लेने पहुंची थी ऐश्वर्या राय बच्चन, जहां पर उन्होंने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे, तो उस टाइम भी उनकी बेटी आराध्या उनके साथ थी। हालांकि जब ऐश्वर्या राय बच्चन रेड कार्पेट पे वॉक करने जा रही थी, तब भी आराध्या को उन्होंने पहले किस किया और उसके बाद जाके उन्होंने रेड कार्पेट पे वॉक की। मगर हाल ही में ऐश्वर्या और आराध्या जो हैं वो आराध्या की नानी के घर पे गए थे, जहां पर जब वो काफी उन्होंने मस्ती, काफी उन्होंने मजे किए। मगर जब ऐश्वर्या अपने घर जाने लगी तो आराध्या ने अपनी नानी को गले लगा लिया, मानो वो उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो जैसे आराध्या ये कहती थी कि मम्मी मुझे नहीं जाना। मगर ऐश्वर्या राय बच्चन यहाँ पर इतने गुस्से में दिखाई दे रही थी कि वो आराध्या को थप्पड़ तक मार सकती थी। क्या कुछ खास है ऐश्वर्या से जुड़ा हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी खूबसूरती को लेकर जाने जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन, जो हमेशा से लाइमलाइट का कारण बनी रहती हैं, तो वहीं ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती के अलावा अपनी बेहतर एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में ऐश्वर्या को बेहद ही गुस्से में देखा गया, जहां उनकी मम्मी और उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद थी। दरअसल बीते दिन ऐश्वर्या आराध्या के साथ अपनी मम्मी से मिलने पहुंची थी, तो वहीं यहां पर जब ऐश्वर्या अपने घर वापस जाने लगी तो आराध्या नानी के गले लग गई, मानो वो ऐसा कह रही थी कि वो यहां से नहीं जाएंगी। तो वहीं यहां ऐश्वर्या बेहद ही गुस्से में दिखाई दी। आपको बता दें ऐश्वर्या हमेशा से अपनी बेटी को अपने साथ रखती है। बीते दिनों ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत होने गई थी, वहां पर भी उन्होंने अपनी बेटी को हर टाइम अपने साथ रखा था। जब ऐश्वर्या रेड कार्पेट पे वॉक करने गई थी तो उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को किस भी किया था। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन लगातार ही खबरों का सिलसिला बनी हुई है। जी हाँ, भले ही बात हो ऐश्वर्या के कांस फिल्म फेस्टिवल की या फिर बात हो ऐश्वर्या की आने वाली फिल्मों की, ऐश्वर्या लगातार ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है। खैर, आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं ऐश्वर्या से जुड़ी एक दिलचस्प किस्से के बारे में। जी हाँ, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय हमेशा से ही ये लिखती और बोलती आई हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बात साफ है कि ऐश्वर्या रात को सोने से पहले खास ख्याल रखती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाए। तो वहीं आपको ये बता दें कि ऐश्वर्या बीते काफ़ी दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं अपने इंस्टाग्राम डेब्यू को लेकर, जहां आते ही इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ फोटो शेयर कर रही हैं ऐश्वर्या, तो वहीं उनके फैंस को उनका ये अंदाज़ काफ़ी पसंद आ रहा है। जी हाँ, उन्होंने माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ है। इसके अलावा ऐश्वर्या लगातार ही सुर्खियों में हैं अपनी आने वाली फिल्म फनी खां को लेकर, और साथ ही ऐश्वर्या का नाम कई और फिल्मों से सामने आ रहा है, जहां रात और दिन के रीमेक के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म जैस्मीन में भी नजर आ सकती हैं। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही खबरों में रहती हैं, फिर बात हो चाहे उनकी खूबसूरती की या फिर उनकी एक्टिंग की, लेकिन हमेशा ही उनको लोगों के बीच चर्चा में देखा जाता है। तो एक बार फिर से आज हम बताने वाले हैं उनके बारे में कुछ खास बातें, तो साथ ही दिखाने वाले हैं उनके खास फोटो, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनकी जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें नजर आ रही हैं ऐश्वर्या लाल रंग की साड़ी में,
साथ ही रखा है उनके सिर पर ताज। इस फोटो में काफी क्यूट और काफी खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या, साथ ही उनकी इस फोटो को देखकर उनको पहचान पाना भी काफी मुश्किल है। अगर देखा जाए हाल ही में तो उनका लुक काफी बदला हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती की आज हर कोई मिसाल देता है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो वहीं बात की जाए अगर उनकी फिल्मों के बारे में, तो बता दे ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ समय बाद फिल्म फन्ने खां में नजर आने वाली हैं, जिसमें एक बार फिर से नजर आने वाला है उनका ग्लैमर अवतार। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्म आ रही हो या फिर ना आ रही हो, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वहीं ऐश्वर्या राय हर मुद्दे पर अपनी राय काफी सोच समझकर देती हैं, और हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने शोषण को लेकर काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हाँ, हाल ही में ऐश्वर्या राय सिडनी में थी और टेलीग्राफ से बातचीत के दौरान उन्होंने #MeToo कैंपेन और शोषण के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कई तरह की बातें की जा रही हैं और लोग अपनी आप बीती घटनाओं को शेयर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लोग शोषण के बारे में कम से कम बात तो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे दुनिया में एक हिस्से तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर ऐसा ही होता है। वहीं अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्मों की, तो बता दें वैसे तो ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्मों का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं ऐश्वर्या के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म फन्ने खां 13 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या राय ने कहा कि मैं फिल्म में एक चैप्टर हूँ, आप जब फिल्म देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैंने क्यों इस फिल्म को चुना है। ऐश्वर्या राय इसके अलावा वो कौन थी के रिमेक में भी नजर आने वाली हैं। वहीं ऐश्वर्या राय के फैंस भी उनकी इन फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस ए दिल मुश्किल में भी काफी शानदार रही थी, उन्होंने उसमें इंटीमेट सीन्स भी दिए थे और दर्शकों ने उन्हें बेहद पसंद भी किया था। और अब देखना ही है कि ऐश्वर्या राय अपनी इन दो फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने आपको दिखाया शाइनिंग स्टार में आज जहाँ पे हमने बात की है ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा से ही लाइमलाइट का कारण रहती हैं, या फिर कभी अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी फिल्में करियर को लेकर, या फिर बच्चन परिवार को लेकर। हाल ही में आपने एक ऐसी चीज देखी जहाँ वो अपनी बेटी को हर टाइम अपने साथ रखती हैं, हर टाइम उनके लिए उनकी बेटी ही होती है। वो चिंता, वो फिक्र ऐश्वर्या के चेहरे से अपनी बेटी के लिए साफ साफ जाहिर होती है। तो वहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बार नानी को आराध्या से दूर करना चाहा, आराध्या को उसकी नानी से दूर करना चाहा। जी हाँ, आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि कितने गुस्से में दिखाई दे रही थी ऐश्वर्या राय बच्चन, मानो वो ऐश्वर्या का हाथ पकड़ के जैसे उन्हें खींच रही हो कि चलो तुम घर पे वापस, जहां पर आराध्या अपनी मम्मी के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो अपनी नानी के साथ ही रहना चाहती थी। तो वहीं पर आराध्या ने यहां पर मासूमियत से सिर्फ वो अपनी मम्मी को देखती रही, नानी को उन्होंने गले लगाए रखा, मगर ऐश्वर्या का गुस्सा था जो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि ऐश्वर्या राय बच्चन इन दौरान क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ आने वाले उनके प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बता दें बेहद ही जल्द ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो शाहरुख खान के साथ दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ, हाल ही में खबर आई है कि शाहरुख की फिल्म में या तो दीपिका को साइन किया जाएगा या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को। हालांकि इन दोनों में से अभी कोई भी फाइनल नहीं हुई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों में से किसको डायरेक्टर फाइनल करते हैं और कौन शाहरुख के साथ इस बारी फिल्म में दिखाई देती है। और वहीं आपने ये भी जाना कि ऐश्वर्या किन किन चीजों को लेकर काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बनी हुई थी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि बी टाउन हो या फिर टीवी पर, बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स, बॉलीवुड के तमाम गॉसिप, टीवी पर की तमाम दिलचस्प बातें आपको सिर्फ नेक्स्ट टाइम न्यूज में ही मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं तो चली, टाटा।